हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, आज से हम एक नई थाई बीएल शुरू करेंगे जिसका नाम है अ टेल ऑफ थाउजेंड स्टार्स या फिर थाउजेंड स्टार्स। इस थाई बीएल के 10 एपिसोड्स हैं और इसके कास्ट हैं अर्थ और मिक्स। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम अ टेल ऑफ थाउजेंड स्टार्स के एपिसोड 1 का स्टोरी एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप कुछ भी मिस ना करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिस ना करें। स्टोरी शुरू होती है टीएन से। टीएन का वॉइस ओवर होता है जिसमें टीएन कहता है कि मुझे पहले लगता था कि हमारी लाइफ एक फन वीडियो गेम की तरह है। हम किसी भी लेवल में कई बार मर सकते हैं और फिर से वापस आ सकते हैं, इसीलिए मैंने पहले कभी मरने के बारे में सोचा नहीं था। पर हमारी लाइफ वीडियो गेम की तरह नहीं है क्योंकि हम सिर्फ एक बार ही मर सकते हैं। तो क्या आपने कभी सोचा है कि आप कैसे मरेंगे, और अगर आप लकी हुए तो आपको दूसरा मौका गेम की तरह मिल सकता है? टीएन कसिनो में एक जुआ खेल रहा होता है और वो जीत जाता है। टीएन अपने फ्रेंड्स के साथ जा रहा होता है, तभी टीएन की अपोजिट टीम का मेंबर कहता है कि हमें गेम को और इंटरेस्टिंग बनाना चाहिए, तो क्या तुम में हिम्मत है कि तुम अपनी वॉच को दांव पे लगाओ? ये सुनकर टीएन का फ्रेंड टुल कहता है कि ये वॉच तुम्हारी माँ ने कुछ ही दिनों पहले दी है, तो इसे दांव पे मत लगाओ। टीएन वॉच निकाल कर कहता है कि मुझे किसी बात का डर नहीं है और वैसे भी मैं मरने ही वाला हूँ, तो इस वॉच का मैं क्या करूँगा? टीएन कहता है कि अगर तुम लोग जीत गए तो मैंने जो भी जीता है वो सब तुम लोग आपस में बांट सकते हो। टॉर्फन को उसकी आंटी निम कॉल करके पूछती है कि तुम घर कब पहुंचोगी। टॉर्फन कहती है कि बस लेट चल रही है, इसीलिए मुझे आने में वक्त लग सकता है। आंटी निम कहती है कि इतनी रात हो चुकी है तो क्या मुझे पूरी रात जाग कर तुम्हारा इंतज़ार करना होगा? तुम यही फैक्ट्री में काम क्यों नहीं कर लेती और मेरी पैसों में भी मदद हो जाएगी? टॉर्फन कहती है कि मैं तो हर महीने आपको पैसे भेजती हूँ, तो क्या आप उन पैसों से गैम्बलिंग करके ख़त्म कर देती हैं उन्हें? आंटी निम कहती है कि तुम मुझे अपनी माँ की तरह ज्ञान मत दो। ये सुनकर टॉर्फन नाराज़ होकर कॉल कट कर देती है। इधर फॉरेस्ट ऑफिसर्स और गुंडों के बीच में फायरिंग हो रही होती है। टीएन की अपोजिट टीम का मेंबर गेम जीत जाता है, तो टीएन कहता है मुझे अब इस गेम में मज़ा नहीं आ रहा है, तो क्यों ना हम इस गेम को और एक्साइटिंग करें और हम रेसिंग करें। टूल अपने रिलेटिव को कहकर रोड रेस के लिए क्लियर करवाता है। सब जा रहे होते हैं तभी टीएन को चक्कर आने लगता है। फॉरेस्ट ऑफिसर्स गुंडों को पकड़ लेते हैं। फॉरेस्ट ऑफिसर का चीफ फूफा उनसे पूछताछ करने लगता है। फूफा अपनी टीम को कहता है कि तुम लोग इसे पुलिस के पास ले जाओ। ये कहकर फूफा अपना मास्क हटाता है। टॉर्फन बस से उतर जाती है, तभी उसके हाथ से फूफा की पिक्चर रोड पर गिर जाती है। टॉर्फन पिक्चर लेने आगे बढ़ रही होती है, तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी डायरी गिर जाती है। इधर टीएन को उसके पेरेंट्स हॉस्पिटल लाते हैं। डॉक्टर किट आकर सबको बताते हैं कि टीएन की सिचुएशन उसकी हार्ट डिजीज के कारण काफ़ी क्रिटिकल है और इसके कारण उसका हार्ट फेल हो सकता है, तो टीएन को बचाने के लिए हमें जल्दी से जल्दी हार्ट ट्रांसप्लांट करना होगा, पर हमें अभी तक टीएन का मैचिंग डोनर नहीं मिला है। यह सुनकर टीएन की माँ कहती है कि आप मेरा दिल ले लीजिए और मेरे बेटे को बचा लीजिए। तभी नर्स आकर डॉक्टर किट को बताती है कि ऑर्गन डोनेशन की तरफ से एक न्यूज़ आई है, टीएन का हार्ट ट्रांसप्लांट होने लगता है। टीएन सपना देखता है जिसमें टॉर्फन टीएन के दिल के पास हाथ रख के कहती है कि तुम मेरे लिए इसका ध्यान रखना। तभी टॉर्फन चली जाती है और पीछे फूफा होता है। तभी टीएन की नींद खुल जाती है। नर्स टीएन को बताती है कि आपका हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है तो आप आराम कीजिए। ये कहकर नर्स चली जाती है। टीएन के पेरेंट्स ने टीएन को बचाने के लिए अपने कनेक्शन का यूज़ करके टीएन को ऑर्गन डोनेशन की क्यू से जंप करवाया होता है, और वो लोग यही बात डिस्कस कर रहे होते हैं कि इस बात को कैसे दबाया जाए। तभी टीएन को होश आ जाता है, तो उसके पेरेंट्स उससे पूछते हैं कि क्या तुम ठीक हो? टीएन कहता है कि आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं अभी मरा नहीं हूँ। तभी नर्स आकर टीएन के पेरेंट्स को कहती है कि आपको डॉक्टर किट बुला रहे हैं। टीएन के पेरेंट्स चले जाते हैं। टीएन नर्स से पूछता है कि मेरा डोनर कौन है? नर्स कहती है कि रूल्स के कारण मैं आपको ये नहीं बता सकती। नर्स टीएन को घुमाने बाहर लेके आती है। तभी टीएन कुछ नर्स को अपने हार्ट ट्रांसप्लांट के बारे में बात करते सुन लेता है, और ये भी कहते सुन लेता है कि उसकी डोनर को फैमिली को बहुत पैसे मिले हैं। फूफा डॉक्टर नाम और राम टॉर्फन की शोक सभा में आते हैं। अब स्टोरी पास्ट में आती है। डॉक्टर नाम टॉर्फन की पिक्चर क्लिक कर रहा होता है, पर टॉर्फन फूफा की तरफ देख रही होती है। ये देखकर डॉक्टर नाम फूफा को कहते हैं कि टॉर्फन तुम्हारे साथ पिक्चर क्लिक करवाना चाहती है, तो तुम भी यहाँ पे आ जाओ। फूफा पिक्चर क्लिक करवा लेता है। टॉर्फन फूफा की पिक्चर क्लिक करती है। अब स्टोरी प्रेजेंट में आती है।
फूफा ये सब याद करके कहता है कि अगर मैंने उस दिन टॉर्फन को राइड दे दी होती तो ये सब नहीं हुआ होता। डॉक्टर नाम और राम कहते हैं कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। फूफा कहता है कि मुझे उस इंसान पर बहुत गुस्सा आ रहा है जिसने टॉर्फन को मारा है। डॉक्टर नाम कहते हैं कि सबका कहना है कि ये बस एक नॉर्मल एक्सीडेंट था। फूफा कहता है कि भले ही पैसों के कारण मामला ख़त्म हो गया हो, पर मैं कभी उस इंसान को माफ़ नहीं करूंगा जिसने ये सब किया है। अब स्टोरी 5 महीने बाद आती है। टीएन दवाइयों और एक्सरसाइजों के कारण ठीक होने लगता है। नर्स टीएन को कहती है कि आप बहुत लकी हैं कि आपको वक्त पर मैचिंग डोनर मिल गया। टीएन वहां से बाहर आ जाता है। टीएन को खुद में टॉर्फिन की परछाई नजर आती है। टीएन टूल को कॉल करके कहता है कि मैं घर में बैठा बैठा बोर हो रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे दिन भर मेरी माँ मेरे आगे पीछे लगी रहती है। टूल पूछता है कि क्या मैं तुमसे मिलने आऊँ। टीएन कहता है कि इसकी जरूरत नहीं है, मैं खुद तुमसे मिलने आऊंगा। टूल पूछता है कि क्या तुम इतने स्ट्रांग हो चुके हो कि तुम अब बाहर आओ। टीएन कहता है कि मैं अब पहले से बेहतर हूँ। दोनों मस्ती मजाक करने लगते हैं। टीएन अपने फ्रेंड्स से मिलने आ जाता है और अपने फ्रेंड्स को कहता है कि क्या तुम्हें पता है मेरे पेरेंट्स ने मुझसे बिना बताए मेरी कार बेच दी, इसीलिए मुझे टैक्सी में आना पड़ा है। टीएन का फ्रेंड कहता है कि उन्होंने सही किया है। टूल टीएन को ड्रिंक देता है पर टीएन ड्रिंक लेने से मना कर देता है। टीएन का फ्रेंड उससे पूछता है कि तुम्हारे अंदर किसी और का दिल है तो तुम्हें कैसा फील हो रहा है। तभी टीएन का दूसरा फ्रेंड उससे पूछता है कि क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे अंदर कोई और रह रहा है। सब लोग उससे कहने लगते हैं कि क्या तुम जानना नहीं चाहते कि तुम्हारे अंदर किसका दिल है और वो कैसे मरा है। ये सब सुनकर टीएन वहाँ से चला जाता है। टीएन जब घर आता है तो उसकी माँ उससे उसके बाहर जाने के बारे में सवाल जवाब करने लगती है। टीएन इरिटेट होकर कहता है कि मैं इतने दिनों से आप लोगों की इंस्ट्रक्शन सुन रहा हूँ तो मुझे भी पता है क्या करना है क्या नहीं करना है। टीएन की माँ कहती है कि तुम में से सिगरेट की स्मेल आ रही है तो कहीं तुमने ड्रिंक भी तो नहीं किया है। टीएन कहता है कि आपने जब पहले ही डिसाइड कर लिया है कि मैंने ड्रिंक किया है तो मेरे कुछ कहने से भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये सब सुनकर टीएन के फादर कहते हैं कि तुम अपनी माँ से अच्छे से बात करो, तुम्हें दूसरा मौका मिला है तो उसे ऐसे मत बिहेव करके बर्बाद करो और हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट मत करो क्योंकि सब तुम्हारी तरह लकी नहीं होते हैं जिन्हें दूसरा मौका मिलता है। टीएन पूछता है कि मेरा डोनर कौन है तो टीएन के फादर कहते हैं कि ये सब रूल्स के कारण हॉस्पिटल वालों ने हमें नहीं बताया है और तुम्हें ये सब जानने की ज़रूरत भी नहीं है और अगली बार से तुम कहीं भी जाओ तो हमें बता के जाओ। टीएन नाराज़ होकर अंदर आ जाता है। रात में टीएन छुपके से अपने फादर की स्टडी रूम में आ जाता है जहाँ उसे हर ट्रांसप्लांट के डॉक्यूमेंट मिलते हैं जिस पर डोनर का नाम भी होता है। तभी टीएन के फादर अंदर आकर पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। टीएन डॉक्यूमेंट छुपा कर ड्रिंक की बॉटल उठा लेता है और कहता है कि मैं यहाँ पर ये लेने आया हूँ। टीएन के फादर उससे ड्रिंक छीन लेते हैं। टीएन अपने रूम में आकर टॉर्फिन के बारे में सर्च करता है तो फेसबुक पर उसे टॉर्फिन की प्रोफाइल मिल जाती है। अगले दिन टीएन टूल के साथ टॉर्फिन के एड्रेस पर जाता है। टूल पूछता है कि हम आखिर यहाँ पे आए क्यों हैं। टीएन कहता है कि मैं बस अपनी डोनर के बारे में ठीक से जानना चाहता हूँ, इसीलिए तुम यहीं पे इंतज़ार करो, मैं पता लगा कर आता हूँ। टीएन अंदर आ जाता है। टीएन को देखकर आंटी नाम उससे पूछती है कि क्या तुम टॉर्फिन के बॉयफ्रेंड हो। टीएन हाँ कह देता है। आंटी नाम कहती है कि अगर तुम पैसे मांगने आए हो तो तुम वापस चले जाओ क्योंकि टॉर्फिन की एक्सीडेंट के कारण डेथ हो चुकी है और उसका बचा हुआ सामान यहीं पड़ा हुआ है। टीएन को टॉर्फिन के सामान में डायरी मिलती है तो टीएन डायरी लेकर कहता है कि ये मेरी डायरी है जो कि टॉर्फिन ने मुझसे ली थी। टीएन डायरी लेकर आ जाता है। डायरी में टीएन को टॉर्फिन की आईडी कार्ड मिलती है जिससे उसे पता चलता है कि वो एक वॉलेंटियर टीचर थी। टीएन अपने पेरेंट्स के साथ पार्टी में आ जाता है। टीएन कहता है कि मुझे ऐसी जगहों पर आना पसंद नहीं है। टीएन के फादर कहते हैं कि तुम हमेशा अपनी पसंद की चीज़ें नहीं कर सकते हो। टीएन वॉशरूम जा रहा होता है तभी फूफा उसके बगल से गुजरता है। टीएन को उसका सपना याद आता है। टीएन फूफा के पीछे जाने वाला होता है पर तभी उसे कॉल आ जाता है। टीएन पार्टी में वापस आ जाता है। पार्टी में टीएन के फादर के फ्रेंड्स टीएन को कहते हैं कि तुम बहुत लकी हो, तभी तो तुम पैसों से बच गए और अगर पैसों से तुम बच गए तो उन पैसों का सही इस्तेमाल हुआ है। टीएन ये सब सुनकर गुस्सा हो जाता है और जाने लगता है। तभी गलती से टीएन वेट्रेस से टकरा जाता है। वेट्रेस बार बार माफ़ी मांगने लगती है। टीएन कहता है कि मैं ठीक हूँ। टीएन घर वापस आ जाता है। टीएन को अपने फ्रेंड्स की बात याद आने लगती है तो टीएन टॉर्फन को जानने के लिए टॉर्फन की डायरी पढ़ने लगता है। टॉर्फन ने अपनी डायरी में फाफंडाओ विलेज, वहाँ के लोग और उनके साथ अपने अच्छे एक्सपीरियंस के बारे में लिखा होता है। टॉर्फन ने लिखा होता है कि मुझे इस छोटे से गांव में वो खुशी मिली है जो मुझे मेरे घर में भी नहीं मिली थी। यहाँ आकर मुझे छोटी छोटी चीज़ों में खुशी कैसे मिलती है ये पता चला है। ये सब पढ़कर टीएन इसे अपनी लाइफ से कंपेयर करने लगता है जहाँ पैसे होते हुए भी वो दिल से खुश नहीं है।
टियन अपनी फैमिली के साथ डिनर करके सबको अपना ध्यान रखने को कहकर अपने रूम में आ जाता है। टियन एक नोट लिखता है जिसमें वो लिखता है कि आप लोग मेरी चिंता ना करें, मैं खुद ही वापस आ जाऊंगा। टियन ये नोट और अपनी घड़ी छोड़ देता है और अपना बैग लेकर फाफंडाओ विलेज जाने लगता है। टियन बस में डायरी पढ़ने लगता है। डॉर्फन ने डायरी में लिखा होता है कि शायद फाफंडाओ विलेज की कहानी असली है। अगर मैंने साल के अंतिम दिन 1,000 स्टार्स काउंट कर लिए तो मैं, इसके बाद डायरी में आगे कुछ भी नहीं लिखा होता है। टियन को डायरी में फूफा की पिक्चर मिलती है। टियन चियांगमाई आ जाता है। वहाँ पे उसे फाफंडाओ विलेज का टेक्नीशियन यॉट पिक करने आता है और अपनी गाड़ी में विलेज ले जाने लगता है। यॉट बताता है कि मुझे विलेज चीफ खमा ने आपको पिक करने के लिए भेजा है। यॉट पूछता है कि आपने यहाँ आने का फैसला क्यों लिया, जबकि ये इलाका तो काफ़ी पिछड़ा है और यहाँ कोई टीचर आना भी नहीं चाहता है, और जो आते हैं वो किसी सवाल का जवाब ढूंढने ही आते हैं। टियन कहता है कि मैं यहाँ सिर्फ टीचर बनने आया हूँ। यॉट बताता है कि यहाँ कई टीचर आकर भाग गए थे, बस आपसे पहले जो टीचर थी वो टिकी हुई थी। रास्ते में यॉट की गाड़ी ख़राब हो जाती है, तो यॉट कहता है कि अब हमें 3 किलोमीटर पैदल चलना होगा। दोनों बातें करते जाने लगते हैं। यॉट बताता है कि ये विलेज बॉर्डर से काफ़ी जुड़ा हुआ है, इसीलिए रेड जोन माना जाता है इसे। यॉट बताता है कि हमारे विलेज को फॉरेस्ट ऑफिसर्स प्रोटेक्ट करते हैं और फूफा फॉरेस्ट ऑफिसर का चीफ है। वैसे तो वो काफ़ी स्ट्रिक्ट है, पर वो दिल का बहुत अच्छा है। यॉट टियन को टियन के रुकने वाली जगह पर ले जाता है, जहाँ पे वॉलेंटियर्स टीचर रहा करते थे। वहाँ फूफा को देखते ही टियन बेहोश होकर गिरने वाला होता है, पर फूफा उसे पकड़ कर बचा लेता है। टियन को जब होश आता है तो फूफा अपना इंट्रोडक्शन देकर कहता है कि तुम काफ़ी कमज़ोर लग रहे हो, तो अगर तुम यहाँ नहीं टिक सकते हो तो मुझे पहले ही बता दो, ताकि मैं तुम्हें तुरंत भेज सकूँ। टियन कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इसीलिए मैं अभी यहाँ से बिल्कुल नहीं जाऊँगा। फूफा कहता है कि यहाँ ना तो मोबाइल में सिग्नल है और ना ही बिजली है रात में, तो क्या तुम फिर भी टिक सकते हो यहाँ पे? टियन कहता है कि अगर बाकी सब रह सकते हैं तो मैं भी रह सकता हूँ। फूफा चला जाता है। टियन से गलती से आग लगने वाली होती है, तो वो मदद के लिए चिल्लाता है। फूफा आकर आग के साथ साथ टियन के ऊपर भी पानी डाल देता है। टियन कहता है कि तुमने तो मुझे भी गीला कर दिया, अब मैं सोऊंगा कैसे? फूफा कहता है कि तुम चाहो तो रात भर जाग सकते हो, पर कल तुम्हें 8 बजे क्लास में आना होगा। फूफा स्माइल करके चला जाता है। टियन ये सुनकर फ्रस्ट्रेट हो जाता है। और यहीं पे एपिसोड ख़त्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आप आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिस ना करें। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।